वेलकम टू टागे विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में और बात करेंगे एफसीआई के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में जानकारी दी जाएगी। एजीटीए भर्ती, एजीटीए सिलेबस गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही साथ वीडियो एग्जाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एफसीआई की AG3 फेज 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, कितने गुना लोग पास किए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती के बारे में। तो आप लोगों को पहले बता दिया था एजीटीए की भर्ती जो है आप लोगों की पेट 2022 से आ रही है और जब तक इलेक्शन चल रहा है यूपी में, निकाय चुनाव चल रहा है इस समय, तो आचार संहिता लगी हुई है। तो आयोग को बहाना मिल गया है कि अब अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 13 तारीख को निकाय चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 14 तारीख से कभी भी नोटिफिकेशन नई भर्तियों के लिए जारी किए जाने लगेंगे यूपीडब्ल्यूएससी आयोग से पेट 2022 के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला नोटिफिकेशन एजीटीए का ही आएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और एजीटीए के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ का नोटिफिकेशन का भी काम कंप्लीट है, तो इन तीन में से कोई भी नोटिफिकेशन पहले देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद है एजीटीए की ही, तो एजीटीए की का नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एजीटीए का नोटिफिकेशन पहले नहीं आ पाता है, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेट 2022 से एजीटीए का नोटिफिकेशन आ रहा है, ये पक्की बात है, पक्की न्यूज है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसी से संबंधित एक RTI आज लगा का रिप्लाई प्राप्त हुआ है और ये RTI लगाई गई थी गौरव यादव द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके RTI के जो आंसर हैं वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ये है, आप द्वारा मांगी गई बिंदु वार सूचना निम्नवत है। बिंदु संख्या 1 AGTA लगभग 3400 पद और बिंदु संख्या 2 कतिपय पदों का अध्याचन प्राप्त है। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षण परीक्षण कर सूचित किया जाएगा। तो गन्ना पर्यवेक्षक का अभी मामला लफड़े में है। मैंने बहुत पहले बता दिया था AGTA की वैकेंसी पेट 2022 से आ रही है, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती का अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, पेट 2022 से आएगी या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा बिंदु संख्या 3 की बात करें तो के संबंध में अवगत कराना है कि कतिपय पदों का अध्याचन प्राप्त है, परीक्षण किया जा रहा है, कतिपय पाठ्यक्रम विज्ञापन के पश्चात, मतलब जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके पश्चात, मतलब बाद में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आपका सिलेबस AGTA का है वो बाद में जारी किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पश्चात। ये सवाल हैं जो पूछे गए थे, ठीक है, और इन पर RTI का रिप्लाई मांगा गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, AGTA का नोटिफिकेशन पेट 2022 से पहला या दूसरा विज्ञापन होगा, ठीक है। इसके अलावा AGTA का सिलेबस क्या होगा, AGTA का नोटिफिकेशन आएगा, AGTA का सिलेबस की बात करें तो ये विज्ञापन के बाद में, एक महीने बाद में जब सिलेबस तैयार हो जाएगा तो जारी कर दिया जाएगा। और सिलेबस में बदलाव होना तय है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और सिर्फ एग्रीकल्चर ही रहेगा, ऐसी अभी कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर रह भी सकता है और एग्रीकल्चर के साथ अन्य सब्जेक्ट भी रह सकते हैं, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, अभी कोई भी इसको क्लियर नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है क्लियर तो वो अपने नोट्स बेच रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, अपना कोर्स बेच रहा है। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, तो मैं वही जानकारी दे रहा हूँ जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है, सही और सटीक जानकारी बता रहा हूँ। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें तो पेट 2022 से ये विज्ञापन आएगा या नहीं, अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। और पेट 2022 से अगर नहीं आया तो पेट 2023 से ये विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, आगे चलते हैं। वीडियो री एग्ज़ाम की डेट जो है शासन को मंजूरी भेज शासन को जो है इसके बारे में प्रस्ताव भेजा गया था कि वीडियो री एग्ज़ाम जो है वो आपका 17-18 डेट को करवाया ली, 17-18 जून को, ठीक है, करवा लिया जाए। लेकिन जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 18 और 19 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम दो पालियों में, मतलब 18 और 19 को दो पालियों में, एक दिन में दो पाली, मतलब टोटल चार पालियों में, चार शिफ्टों में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा, क्योंकि 14 लाख स्टूडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या है ये आयोग के लिए, और इसमें कड़े इंतजाम होंगे। और CCC की बात करें तो उसी टाइम पीरियड का वैलिड होगा जब ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे, और इसके अलावा सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जिन्होंने उस टाइम इसको फॉर्म अप्लाई किया था। इसके अलावा आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा FCI AG3 मतलब कैटेगरी 3 की जो वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम फेज 2 का हो चुका है, इसके रिजल्ट के बारे में अपडेट प्राप्त हो रही है।
तो इसका रिजल्ट जो है इसी महीने में लास्ट में, इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी महीने लास्ट में फेज़ टू का रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो रिजल्ट जारी होगा वो उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे तो आप लोगों को बता दें, 3 गुना, ठीक है। 3 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे फेज़ टू में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वहाँ से भी कुछ लोग बाहर किए जाएंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट प्राप्त हो रही थी AGTA सिलेबस और गन्ना प्रवेक्षक भर्ती BDRO एग्जाम और FCIG3। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे साफ साफ। तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।